वेलकम बैक टू माय डिस्कशन। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग और आज मैं दिखाने वाला हूं आप सबको कि टांके कैसे लगाए जाते हैं। जी हां, सूचर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सूचर जैसे बहुत जगह आप लगा सकते हैं, दांत में भी लगता है, आपने कोई अगर आपको चोट लग गई वहां पे भी लग सकता है, एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे भी लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि एक तो सूचर कैसे लगते हैं, वो एक पॉइंट है मैं बताना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सूचर लगाने के फायदे कैसे, क्या होता है फायदा, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं सूचर क्यों लगाते हैं। अगर देखिए, सूचर अगर कोई खुला घाव है तो उसको बंद होने में काफी टाइम लगेगा, जैसे 7-8-10 दिन तक लग जाता है। लेकिन अगर उस चीज को सूचर लगा दिया या टाके लगा दिए जाए तो वो घाव उससे आधे दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो चीज को हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और उस पर हम मेडिसिन खाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आज हम बताते हैं कि सूचर लगाते कैसे हैं, लगाएंगे कैसे, उसको कैसे नोट्स हम बांधते हैं, ये सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे। और कितने दिन बाद खोलेंगे, 7 दिन बाद खोलते हैं हम जनरली, अगर आपको ऐसा लगता है तो 1-2 दिन और हम बढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी करते हम इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि सूचर कैसे लगाते हैं, टाके कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दो केस पे आपको सूचर लगाना मतलब टाके लगाने को बताएंगे कि कैसे लगाते हैं। आप देखिए, क्योंकि इनका आगे वाला दांत था, छोटा सॉकेट था, तो एक बार में ही, पहले तो आप जैसे एक एक बार में ही चीज़ों को मतलब अंदर डाल के ले सकते हैं, बट मैं क्योंकि छोटा था तो मैंने एक बार में ही उसको लग के पूरा कवरअप करके उसको मैं टाके लगाऊँगा। अब जैसे कि देखिएगा, पूरे आराम से आप एक एक करके उसको डाल के और फिर उसको निकालिए। तो दूसरा जो एंड है उसको थोड़ा सा आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि नॉट लगाने के लिए दूसरा एंड बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, पहले सीधे हाथ से एक बार ये आपने सीधे से या कर दिया, फिर हम उसी तरीके से एक एक बार और लेंगे, इसको अच्छे से टाइट करें नहीं तो खुल जाता है, उसी टाइप से। अब एक बार हम उल्टा भी लेके जाएंगे इसको अच्छे से, इसको भी उसी नॉट को टाइट करना है, क्योंकि ये बिकॉज़ ये खुल जाता है बार बार, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, एक उल्टा लगा के, एक उल्टा लगा के, मतलब जो भी है उसका पोजीशन उल्टा होना चाहिए। हमारा लग के उसको अच्छे से टाइट कर दिया जाए, जिससे कि वो टाँके हमारे निकले ना, क्योंकि टाँके निकल जाएंगे तो अब देखिए, अब चेक करिए, अब देखिए कैसा है ना, बहुत अच्छे से आप चेक करिए कि कैसे इसको खुलना नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से लगा है कि नहीं पूरा। अब आप देखिए इसको कितना अच्छा फिनिशिंग आया। चलिए हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। इनका आप देखिए कैसे लगा है, इनका भी हमने सेम ऐसे ही किया, क्योंकि देखिए दोनों ही एंड पे, जैसे दांत आपने जहाँ निकाला है तो लिंगुअली टू बक्कली, अगर हम एनाटॉमी भाषा से बात करें, लिंगुअली टू बक्कली दोनों साइड में लगाना। देखिए, एक नॉट लगाया हमने, इसको अच्छे से पूरी तरीके से टाइट करिए, जिससे कि वो वापस से निकला गया, कि हमने ढीला छोड़ दिया तो वो निकल जाएगा। तो इसको मेक श्योर आपको ये रहना चाहिए कि उसको टाइट से जो भी नॉट लगा रहे। देखिए, सेकंड नॉट हमने ये लगाया, ये भी हमने टाइट किया इसको, फिर अब उल्टा करेंगे, अब एक उल्टा लगाएंगे जिससे कि वो अच्छे से बच जाए। तो ये एक चीज़ को ध्यान में रखिए। तो चलिए हम फिर किसी नए अच्छे वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ। बाय।